दिसंबर 2009 में बाबा गुरमीत ने डेरे में शानदार पार्टी का आयोजन किया। रंगीन महफिल सजी, फिर डेरे में रह रहे भक्त विश्वास गुप्ता को बुलाया, कहा कि तुम्हारी पत्नी प्रियंका को आज से मैं अपनी धर्म बेटी स्वीकार करता हूँ और तुमको दामाद। गुरमीत जैसे जलवेदार बाबा का दामाद घोषित होने पर विश्वास फूले नहीं समाए। डेरे में बतौर जमाई राजा बड़ा ही सम्मान मिलने लगा, मगर बाबा गुरमीत राम रहीम की कुत्सित मंशा भांपने में विश्वास गुप्ता सफल नहीं हुए। गुप्ता को ये नहीं पता था कि राम रहीम की नजर हनीप्रीत पर पहले से ही थी, इसलिए हनीप्रीत को उसने पहले तो अपनी मुंहबोली बेटी बनाया ताकि वो अपना अवैध संबंध छुपा सके। मई 2011 की उस रात कुछ पल के लिए विश्वास गुप्ता की सांसें थम गई, वह कमरे का वह दृश्य, जिंदगी की सारी खुशियां निगल गया। बकौल विश्वास, डेरे में बाबा की गुफा की तरफ वे गए, गलती से बाबा के कमरे का दरवाजा खुला रह गया था। झांका तो नजारा देख पैरों के तले जमीन खिसक गई। बाबा अपनी मुंहबेली बेटी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थे। बाबा को पता चल गया कि मैंने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। इस पर बाबा ने चुप न रहने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। विश्वास कहते हैं कि उसके बाद वे और उनका पूरा परिवार डेरा छोड़कर पंचकुला में किराए के मकान में रहने लगे। फिर भी बाबा के गुर्गों ने धमकाना जारी रखा। ये हम नहीं बल्कि खुद विश्वास गुप्ता अपनी उस याचिका में कहते हैं जो उन्होंने हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट में दाखिल कर बाबा पर बीवी कब्जाने का आरोप लगाया। कोर्ट से बीवी की रिहाई की मांग की थी। 5 अक्टूबर 2011 को इंडिया टीवी ने इस पर तफसील से रिपोर्ट की। उस वक्त बाबा रहीम पर उनके मुंह बोले दामाद विश्वास गुप्ता के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया था। खास बात ये है कि आज भी हनीप्रीत पति विश्वास के साथ नहीं बल्कि बाबा रहीम के साथ रह रही है। हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका है। विश्वास गुप्ता रिपोर्ट में कहते हैं 14 फरवरी 1999 को फतेहाबाद की प्रियंका से खुद बाबा राम रहीम ने उनकी शादी कराई। पहले तो वे बाबा की कुत्सित मंशा नहीं भांप पाए, मगर जब पता चला तो उनकी जिंदगी उजड़ चुकी थी। इंडिया टीवी की उस रिपोर्ट में विश्वास गुप्ता कहते हैं कि अगर बाबा गुरमीत राम रहीम मेरी पत्नी हनीप्रीत को धर्म बेटी मानते हैं तो फिर दूर क्यों रखते हैं। जब होटलों में बाबा जाते हैं तो मुझे बगल वाले कमरे में भेज दिया जाता था, जबकि मेरी पत्नी रात में बाबा के साथ रहती थी। बाबा मुंहबोली बेटी को दामाद के साथ रहने से क्यों रोकते हैं। जब विश्वास गुप्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मुकदमा ठोक कर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के कब्जे से बीवी को मुक्त कराने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को एक्शन का निर्देश दिया था,